first time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. Good morning दोस्तों, welcome back to the channel. उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे. रविवार की सुबह है और हमने सुबह स्टार्ट की है. थोड़ा बहुत प्लांट की सेवा करते हैं, पत्तों पे ना डस्ट जमा हो जाता है तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए. वैसे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट नहीं जमा होता क्योंकि विंटर टाइम में तो और भी विंडोज डोर्स सब कुछ बंद रहता है तो डस्ट आता नहीं है. और सेम थिंग दूसरी चीजों पे भी आप लोग पूछते हो कि क्लीनिंग कैसे करते हो, डस्टिंग कैसे करते हो, कितना फ्रिक्वेंटली करते हो, तो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करना पड़ता क्योंकि विंटर्स का यही फायदा है कि उतना ज्यादा डस्ट जमा नहीं होता. बट फिर भी टाइम टू टाइम इन पत्तों को साफ कर दो ना तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बढ़िया से चलता रहता है और इनका ग्रोथ भी अच्छा होता रहता है. और इंडोर प्लांट्स के लिए आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो तो जो भी नए दोस्त हैं उनको पता नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना. इंडोर प्लांट्स के बारे में काफी सारे वीडियोज हैं जहां पे मैंने डिटेल में बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉप मोस्ट प्लांट्स हैं जिनको कि आप ऐसे वेदर में भी रख सकते हो. आप देखते हो यहाँ पे ज्यादा धूप भी नहीं आती है, हमेशा ठंड रहती है, इतना लंबा टाइम रहता है ठंड. तो मेन यही है कि इनको पानी ज्यादा नहीं देना होता है. पानी के मामले में इनको इग्नोर करो, वैसे इनसे बातें शातें करते रहो, चेक करते रहो, कोई भी पत्ता पीला हो रहा हो तो वो कट कर दो. यही सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं तो कर जाते हैं ग्रो. ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों से कोई प्लांट खराब नहीं होता, काफी सारे प्लांट्स खराब भी हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस है. स्पेशली जब बाहर स्नोफॉल हो रहा हो ना तो ये फायर प्लेस का जो वीडियो चलता रहता है ना और साउंड भी आता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है. काफी लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आया, तो सैमसंग का ये अपना फीचर है. इनका बहुत सारे फायर प्लेस के डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के क्लिप्स हैं जो एक के बाद एक चलते रहते हैं. तो हमारे पास असली वाला फायर प्लेस तो है नहीं तो यही वाला चला के हम फीलिंग ले लेते हैं. ब्रेकफास्ट के लिए वैसे तो मैं सूजी इडली बनाने वाली हूँ बट इन लोगों को भूत चढ़ा है कल से कॉर्नफ्लेक्स खाने का, स्पेशली केयूष को. तो सुबह सुबह उठ के मुझे बोलता है कि कॉर्नफ्लेक्स दे दो, तो मैंने भी सोचा कि चलो कॉर्नफ्लेक्स खा के थोड़ी देर इनका पेट ठंडा रहे, गड़बड़ करके ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा. तो मैं सोच रही हूँ कि सूजी का मिक्स बना के रख दूँ. पहले मैं बहुत रखती थी और बड़ा काम आता है मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बनाना होता है ना, तो सूजी अगर रोस्टेड हो तो उससे आप उपमा भी बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, फिर अप्पम बना सकते हो, सूजी इडली बना सकते हो, जल्दी बन जाता है. तो अच्छे से मैं सूजी का मिक्स बना लूंगी और फिर सूजी इडली तो बनानी है. तेल में डाला है सरसों, जीरा, अदरक, सूखी मिर्च, करी पत्ता, काजू, आप चाहो तो चना दाल भी ऐड कर सकते हो, नमक, हल्दी और हल्का सा फ्राई कर लिया है और फिर सूजी डाल के लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है. और जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख लो. 1 मंथ तक ना ये बड़े आराम से चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता. ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी मिक्स, आधा कप दही और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से बैटर बना लेंगे. इसको 20 मिनट्स के लिए अभी सोख होने के लिए रख दिया है और उतनी ही देर में मैं सांबर के लिए दाल चढ़ा देती हूँ. आज सब्जियां ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं सिंपल ही दाल चढ़ा रही हूँ और बाद में प्याज अदरक लहसुन का तड़का लगा दूंगी. थोड़ा सा टाइम है तो गार्लिक को छील के रख देती हूँ. मैं हमेशा यही करती हूँ, वर्किंग डेज में काफी इजी हो जाता है क्योंकि ये छीला हुआ हो ना तो फिर ग्रेटर में ग्रेट करने में तो मिनट्स भी नहीं लगते हैं. और आप लोग हमेशा पूछते हो कि सूची मील प्लानिंग कैसे करती हो, तो ऑनेस्टली बताओ मील प्लानिंग नहीं करती हूँ मैं. ऐसी छोटी छोटी चीज कर लेती हूँ जैसे सूजी का मिक्स बना के रख लिया, गार्लिक छील के रख लिया, जो बेसिक्स होते हैं जो आपको हर एक मील प्लानिंग के आर्टिकल और वीडियोस में मिल जाएंगे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के आप फ्रीज कर सकते हो, टमाटर अनियन का पेस्ट बना के उसको अच्छे से भुन के जार में रख सकते हो, तो वो सब मैंने एक टाइम पे किया है. बट समहाउ ना हमें उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता, फ्रेशनेस फील ही नहीं होती है. तो 4-5 मिनट दिन के ज्यादा लगते हैं, उससे ज्यादा होता नहीं है. और मॉर्निंग में मैं अगर जल्दी में हूं तो अनियन यूज नहीं करती हूँ,
तो फ्रेश ही करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे हाँ, अगर आप चाहो, आपको टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप अनियन का पेस्ट बना के, टमाटर का पेस्ट बना के और काफी सारे तेल में उसको अच्छे से भून के फ्रीज कर सकते हो, या फिर मेसन जार में टाइटली बंद करके फ्रिज में रख सकते हो। इडली मिक्स रेडी है और बिल्कुल लास्ट में मैंने 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहो तो इनो भी डाल सकते हो। अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हैं। बाहर इतनी ठंड है, ऊपर से हल्की हल्की रनिंग नोज है, मतलब अब ठीक है, लास्ट 2-3 दिन से थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, कल ज़्यादा ही था, तो इसलिए हमने सोचा कि घर ही बैठते हैं, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है और अगर ठंड लग गई और बढ़ गया तो फिर कल स्कूल नहीं जा पाएंगे, है ना। बहुत बोर हो रहे हैं हम, बट क्या करें, बुक रीड कर रहे हैं। पीयूष भी बोर हो रहा है, उसको पार्टी सिटी जाना था, बर्थडे गिफ्ट लेना था, कुछ नहीं हुआ। कितने दिन बाकी है पीयूष तेरे बर्थडे में? 6 days बाकी है। First it was 9, कब से काउंट कर रहा है वो? 9, 8, 7, 6। तो अब फिर कैसे होगा पता नहीं, नेक्स्ट सैटरडे है तो सेम डे जाके करना पड़ेगा, है ना, या फिर वीकडेज में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना कि ऑफिस से आने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, और ऐसे वेदर में ना कुछ करने का भी मन नहीं करता, इतना ज्यादा लेजी लेजी फील होता है। तो इडली सांभर खा के हम बैठे हुए हैं बेड पे, बुक रीड कर रहे हैं कि विश प्ले कर रहा है, ये सैड है थोड़ी सी। So क्योंकि उसको जाना था, कुछ लेना था डॉलर स्टोर से, और बहुत टाइम से वेट कर रही है और वो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, चलो अभी रीड कर लो। क्या कर रहे हो भाई? कोडिंग कोडिंग इनके स्कूल में एक वेबसाइट है, उसके थ्रू कोडिंग कराते हैं, हर एक लेवल का है ये, तो वही कर रही है। ये अपना मूड अच्छा करने के लिए पिज्जा बनाने आ गई है, ब्रेड पिज्जा। कल भी बनाने का ट्राई किया था, कल जल गया। कोई बात नहीं, वो सब तो होता ही रहता है। तो चलो पहले चीज ग्रेट करेगी येशा। ग्रेटर ढूंढो किचन में चीजें, ये देखो सामने ग्रेटर है, सामने की चीजें नहीं दिखती। येशा का 1 plate ऑफ पिज्जा रेडी हो गया है। ये है डिफरेंट फ्लेवर का, और अभी वो कुछ और डिफरेंट फ्लेवर का बना रही है, हर्ब्स डाल के बना रही है। Then Pius and Daddy are gonna come up here and I'm gonna surprise. And mommy's in charge of making chai. चाय, पिज्जा और चाय, क्या कॉम्बिनेशन। बैठ जाओ भाई, येशा के पिज्जा हाउस में आप सबका स्वागत है। अच्छा, पिज्जा हाउस पार्टी हो रही है। पिज्जा हाउस, ब्रेड पिज्जा, गिव मी पिज्जा। हाँ जी, लाओ भी पिज्जा लाओ। हे, लाओ जी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वन। पेपर, इट्स मी मेड। गुड। द शेफ इज ईटिंग हिज। गुड। यम्मी। और काफी लोगों ने आपका साथ दिया, माइक्रोवेव नहीं होना चाहिए, अनुज जी ने सही बोला था। No pizza for you guys. I want it so bad. जो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहिए। Why? नहीं यूज करना चाहिए बेटा, उसमें से आप पढ़ोगे, गूगल कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा माइक्रोवेव अच्छा नहीं होता है। So, कुछ तो किया है इन लोगों ने। Just block it. Close your eyes. Oh, अच्छा, close. Mommy, go like this. Okay. Turn around. No.
ओके ओके सो दिस इज अ बास्केटबॉल थिंग अच्छा बस टच करना है गेम नंबर वन बास्केटबॉल नो टू अच्छा वो मूवी इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड ओके गेम नंबर थ्री ओके वेलकम टू द बेस्ट बर्थडे एवर ओ माय गॉड वेरी नाइस वेरी नाइस तो ये हो गया बोर्ड गेम कॉर्नर लेगो कॉर्नर कलरिंग स्टेशन टेबल और ये टेबल चेयर और अनियन हेलो दोस्तों आज है मंडे इवनिंग कल आफ्टरनून के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया मेरा मन ही नहीं कर रहा था तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा था अभी ठीक हूँ बट वो होता है ना मन भी खराब शरीर भी खराब वैसा वाला थोड़ा सिचुएशन था अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी इतना ग्लूमी वेदर है ना धूप नहीं निकल रही है पूरे टाइम या तो बारिश हो रही है या तो स्नोफॉल हो रहा है और फिर ये केसेस ये वो तो बस ऐसे ही कभी कभी होता है ना टू मच हो जाता है तो बस मेरा टू मच हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ब्रेक लेते हैं कल मुझे ब्लॉग भी पोस्ट करना था मैंने ब्लॉग भी पोस्ट नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं होता है कभी कभी ऐसा हमेशा तो हैप्पी नहीं रह सकते ना ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि कभी कभी मन थोड़ा डमाडोल हो ही जाता है ना बट वो लंबे टाइम तक नहीं होना चाहिए मन जैसे ही डमाडोल होना थोड़ा सा ब्रेक ले लो कुछ अच्छा अच्छा कर लो माइंड को एंटरटेन कर दो और फिर जल्दी से अपने नॉर्मल जोन में वापस आ जाओ अगर हमें सैड जोन में ज़्यादा लंबे टाइम तक चले जाते हैं ना तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जल्दी से अपने एक्टिव जोन में आ जाऊं लिटरली कल आफ्टरनून के बाद मैं बेड से निकली ही नहीं रात को भी हमने मैगी शैगी यही सब बना के खाया और आज सुबह तो फिर नॉर्मल ऑफिस था तो सब कुछ करना ही था ठीक है अभी थोड़ा सा मन लिटिल बेटर हुआ है अब इसको और भी बेटर करना एक्चुअली मैं ना बाहर भी कहीं नहीं जा पा रही हूँ एक तो ये इवनिंग में इतना लेट हो जाता है सब कुछ बंद हो जाता है तो वर्किंग डे में जाना होता नहीं है और वीकेंड में इस बार ही तबीयत खराब हो गई थोड़ी अनुज की भी तबीयत खराब थी तो फिर बनता नहीं है ना कि आप बाहर निकलो तो रेस्ट लेना ज़रूरी था ताकि फिर वीकडेज स्टार्ट हो तो स्कूल ऑफिस ठीक से चलता रहे नहीं तो वो वाली दिक्कत हो जाती है ना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर छुट्टियाँ ऑल का टेंशन हो जाता है तो यही सब के बीच रह गया कल का दिन और ये वीकेंड ऐसे ही बोरिंग चला गया बट उम्मीद करते हैं आगे वाले दिन अच्छे होंगे मज़ेदार होंगे कि उसका बर्थडे भी आ रहा है हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं कुछ भी अगर इस ब्लॉग में आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए थम्स अप ज़रूर देना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए खुश रहिए कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज कभी कभी बैड मेमोरीज भी आज लगती हैं कि वो बैड है बट आगे जाके ना वो मेमोरीज भी कहीं ना कहीं गुड ही फीलिंग देती है ना सोच के देखना थोड़ी गहरी बात है बाय बाय I fell in love with your colors they kind of tell me what I'm thinking I fell in love with the way we are